अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद फातिमा। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार रेसिपी को लेकर आई हूँ, बटर चिकन, जो सबकी फेवरेट होती है। हम कभी भी रेस्टोरेंट जाते हैं, बटर चिकन तो मेन कोर्स में पहले ऑर्डर करते। देखिए, मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। अदरक लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला और तंदूरी चिकन मसाला और दही, ये सब डालकर एक रात पहले से मैरिनेट करके मैंने इस चिकन को रख दी थी। मैं ऐसा ही करती हूँ, मतलब जब भी मुझे कोई मुगलाई डिश बनानी होती है, मैं एक रात पहले मैरिनेट करके चिकन को रख देती हूँ। उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। देखिए, एक तपेली में मैंने टमाटर, प्याज, काजू की टुकड़ियाँ, बटर, थोड़ा सा ऑयल, अदरक लहसुन चॉप्ड किया हुआ और थोड़ी सी, एक स्पून जितनी शेजवान चटनी, ये सबको मैंने इस कढ़ाई में डाला, पतीली में, और अच्छे से इसको सॉफ्ट होने तक हमें पका लेना है। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तब तक। और देखिए, हमारा ये जो प्याज टमाटर है, ये सॉफ्ट होने लगा है। अभी से मैं 2-3 मिनट के लिए और थोड़ा सा पकाऊंगी, फिर हम इसकी गैस को कर देंगे बंद और कूल डाउन होने देंगे। मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप रेसिपी शूट नहीं करते, लेकिन मशरूफियात की वजह से मैं नहीं करती थी, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं रोज़ इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। देखिए, हमारे ये जो पेस्ट बना लेते हैं हम इसके मसाले का अच्छे से, ये कूल डाउन हो जाता है। फिर देखिए कैसे धुएं धुएं से निकल रहे, लेकिन कूल डाउन होने के बाद ही हम इसको पीसेंगे। देखिए, उसी तपेली में मैंने ऑयल और थोड़ा सा बटर डाला। आप चाहे तो सिर्फ बटर में बना सकते हैं, या तो फिर बटर और तेल में बना सकते हैं, या फिर घी भी ले सकते हैं बटर ना हो तो। देखिए, जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी उसको मैंने इसमें डाल दी और अच्छे से हम पका लेते हैं जब तक हमारा ऑयल सेपरेट हो जाता है और हमारी ये चिकन थोड़ी कुक हो जाती है। ऐसी शानदार खुशबू आ रही है पकाते टाइम, मैं आपको क्या बोलूँ। जब मैंने इसे पकाई और घर में तो सबको इतनी ही टेस्टी लगी कि सबने बोला बहुत लजीज है, रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट है। देखिए, ये पेस्ट को मैंने इस बाउल में पीस कर इसमें निकाल लिया। अब ये जो हमारी जो चिकन है जो कुक हो चुकी है 70-80% तक, मतलब पानी ये गल चुकी है, अब मैं इस पेस्ट को इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से चला लेती हूँ। और थोड़ा सा उसका पानी था बाउल का, वो भी मैंने खंगाल लिया है। अब मैं इसे अच्छे से ढककर पका लेती हूँ। देखिए, हमारा जो तेल है वो सेपरेट हो चुका है, आपको दिख रहा होगा साइडों पर, और इतनी ही अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ, नान, कुलचा या चावल के साथ खा सकते हैं, जीरा राइस। थोड़ी सी देखिए मैंने इसमें शक्कर डाली, बिल्कुल आधी चम्मच से भी कम। थोड़ा सा फिर से हम बटर डालेंगे, अमूल फ्रेश क्रीम डालेंगे। अगर आपके पास वो ना हो तो घर की जमी हुई मलाई भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से हम थोड़ा सा इसको चला देते हैं और सर्विंग डिश में डिश आउट करते निकाल लेते हैं। बहुत ही इजी और यम्मी रेसिपी है, घर पर रेस्टोरेंट जैसी बनाएं, अपने घर वालों को खुश करें। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपीज आगे भी मिलती रहेगी, आपको बहुत पसंद आएंगी। आगे भी मैं बढ़िया बढ़िया सी रेसिपीज लेकर आऊँगी बहुत जल्द। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप प्लीज़ वीडियो देखने आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट टू माय ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स।